अच्छा व्यूर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिर महमूद, आप देख रहे हैं आवाज़ मार्केटिंग। व्यूर्स, आज की वीडियो के अंदर मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से बात करूँगा। कुछ क्वेरीज भी आ रही थी और कुछ नई चीज़ें भी थी, वो आपके साथ शेयर करूँगा। क्वेरीज ये थी कि काफ़ी लोगों ने जो है वो मैंने कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, 6 मरला के, 5 मरला का, 4 मरला कमर्शल वगैरह जो एडजस्टमेंट चल रही थी, उसकी लास्ट डेट जो है वो 6 सितंबर है। उसके बाद जो है वो कंपनी जो है वो एडजस्टमेंट के अंदर, पॉलिसीज के अंदर चेंजिंग्स लेके आ रही है। कुछ नए शायद ऑप्शन आ जाएँ और कुछ जो है वो चेंजिंग्स आ जाएंगी। तो जिन लोगों ने नहीं करवाया वो नीचे हम रब्ता करके डिटेल्स ले सकते हैं। बेसिकली एडजस्टमेंट है क्या, वो भी थोड़ी सी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या हमें जो ए साउथ के अंदर या बी सेंट्रल के अंदर जिन लोगों ने प्लॉट रखे हुए हैं वो वहीं पर रख लें, या कंपनी ने जो कमिटमेंट की थी वो पूरी की थी या नहीं की थी, वो आप लोगों के साथ जो दिल की बात है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे वीडियो जो है आप तक पहुंचते रहे। मैं कहना भूल जाता हूँ, आप करना भूल जाते हैं, या नीचे बटन आ रहा है किसी भी तरह बस इसको क्लिक कर दे और सब्सक्राइब कर दे ताकि आप तक वीडियोस पहुंचते रहे, हम कनेक्शन में। अच्छा व्यूज, जो जिन लोगों का ए साउथ के अंदर है, बी सेंट्रल के अंदर है, बी ब्लॉक के अंदर है, सी के अंदर है, लो कॉस्ट के अंदर है, डी के अंदर है, तो एक बड़ी आपके लिए सिंपल सी बात है, अगर तो आप कर सकते हैं तो एक अलग बात है, जो नहीं कर सकते पहले उनका बता दो। जो नहीं कर सकते आप लोगों ने परेशान नहीं होना मेरे भाई, आप लोग अपना जो इंस्टॉलमेंट प्लान कैरी कर रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट प्लान कैरी करें। और कंपनी जो है अभी रिसेंटली उसका जो अंडरपास का जो है वो अप्रूवल आ गया है, उसके अंडरपास के ऊपर काम होने लगे है। ए साउथ के अंदर मशीनरी लगी हुई है और ए साउथ कंप्लीट होने के बाद जो है वो बाकी ब्लॉक्स के अंदर डेवलपमेंट होगी। और अगर अपना पूरा प्लान आप कैरी करते हैं तो एट द एंड ऑफ द प्लान आपको जो है वो प्लॉट डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको प्लॉट नहीं मिलेगा, जिसको प्लॉट नहीं मिलता मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, अगर नहीं मिलेगा तो मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैं आपके साथ वीडियोज़ भी बनाऊँगा और खड़े होके इधर ही वीडियो के अंदर ही उनको मैं आपकी फाइल भी दिखाऊंगा और आपको प्लॉट लेके दूंगा, ये मेरी आपको गारंटी है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये प्लॉट आपको ना दें, आपने पूरी पेमेंट कर दी और ये आपको कहेंगे प्लॉट नहीं। दूसरी वो लोग हैं कि जिनके पास जो पेमेंट कर सकते हैं उनको ये मशवरा है कि आप अगर ए साउथ में हैं, बी ब्लॉक में, सेंट्रल में, डी में, कहीं भी हैं, तो आप मेरे भाई आपने ए साउथ के अंदर आ जाना, वो अर्ली बर्ड के अंदर आ जाना। अगर कोई मेरे साथ इस बात पर बहस करेगा कि अर्ली बर्ड से ये सारे ब्लॉक बेहतर हैं तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अंदर मेरे साथ कोई अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो मैं रेडी हूँ, क्योंकि ये मेरा जितना मेरा रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है, जितना हम लोग बैठते हैं, जितना हमने इनसे काम किया है, अर्ली बर्ड का मुकाबला नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि अर्ली बर्ड एक छोटा सा ब्लॉक है और गुजर खान की कैपेसिटी को देखते हुए अगले कुछ सालों के अंदर अर्ली बर्ड नहीं डिलीवर होना है। अभी भी आप देख रहे हैं लेकिन आने वाले सालों के अंदर भी यू आर गोइंग टू सी विद योर ऑन आइज कि ये ही ब्लॉक डिलीवर होगा। और जो अर्ली बर्ड के अंदर आ जाएंगे वो अपना अमाउंट भी रिकवर कर लेंगे और वो प्रॉफिट्स भी ले जाएंगे, क्योंकि अर्ली बर्ड जो है वो एक लिमिटेड ब्लॉक है, उसके अंदर सारी अमेनिटीज़ जो है वो दे दी गई हैं। और जो आबादी आएगी गुजर खान के अंदर, किसी ने घर बनाना है तो कोई पागल नहीं है कि वो अर्ली बर्ड को छोड़ के ए साउथ में चला जाएगा जहाँ पर अभी जाने का रास्ता भी नहीं है, या बी ब्लॉक में चला जाएगा जहाँ पर रोड जाने का अभी तक कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वहाँ पर तो जाने से रहे। जो भी घर बनाने आएगा वो अर्ली बर्ड के अंदर घर बनाएगा, वहीं पे फूड चेन्स बनी हुई हैं, वहीं पे ग्लो पार्क है, वहीं पे घर बन रहे हैं, वहीं पे विला बने हुए हैं, वहीं पे हॉस्पिटल बन रहे हैं, वहीं पे हेड ऑफिस बन रहा है, वहीं पे सारी जो है अमेनिटीज़ जो है वो दी जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे अमेनिटीज़ दी जा रही हैं वहीं पे सबसे पहले लोग आएंगे। तो अगर कोई आपको ये कहता है कि ए साउथ इज़ बेटर देन अर्ली बर्ड, बी इज़ बेटर देन अर्ली बर्ड, तो डोंट कंसिडर इट, ये किसी सूरत पॉसिबल है ही नहीं। जो बंदा ये कह रहा है या उसको समझ नहीं है या उसको बिल्कुल पता ही नहीं है, या आई डोंट नो कि उसका क्या रीज़न हो सकता है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बड़ा ऑनेस्ट होकर आपके साथ ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप अर्ली बर्ड के अंदर आ जाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। कंपनी बाढ़ में जाए जो वो सोचती है, जो वो करती है, लेकिन जो बंदा अर्ली बर्ड के अंदर आ जाएगा एटलीस्ट वो नुकसान से बच जाएगा और आने वाले दिनों के अंदर वो इससे एग्जिट भी ले सकता है। मैंने आपको एग्जाम्पल ऑन साइट जो है वो जाके वीडियोज़ दिखाई हैं कि 9 मरला की मेरी बहुत फेवरेट प्लॉट्स थे, बिल्कुल जो है मेट्रो कनाल के साथ वो सोल्ड आउट है ऑलमोस्ट। मेरे ख्याल में 1-2 प्लॉट थे कैटेगरी के, वो भी चेक करना पड़ेगा कि उनमें से कोई अवेलेबिलिटी है या नहीं है। उसके अलावा 4 मरला कमर्शियल का बहुत अच्छा ऑप्शन है कि बिल्कुल गेट 2 के साथ आप इंटरी होते हैं, तो 4 मरला 8 मरला कमर्शियल है, 8 मरला का डबल साइड ओपन आपको कमर्शियल मिल जाएगा, जिसको आपको फ्रंट भी मिलेगा और बैक भी मिलेगा, और मेन रोड का कमर्शियल होगा। जैसे आप इंटर होते हैं तो आपको जो है वो मेन रोड के ऊपर जो है आपको कमर्शियल मिल जाएगा, और ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा जिसके अंदर आप 1 करोड़ 4 मरला अगर करें तो 1 करोड़ 25 बनता है, और अगर 8 मरला करें तो 2 करोड़ 50 लाख रुपया बनता है, और पर प्लॉट जो है अगर 4 मरला की बात करें तो 85 लाख रुपया एडजस्टमेंट है और 40 लाख रुपया उसके अंदर कैश देना है, और ये अगर 8 मरला कर लें तो ये आपने डबल कर लेना है। कोशिश यही करें कि 8 मरला करें, क्योंकि आपको फ्रंट बैक मिल जाएगा और ये बहुत अच्छा एग्जिट है जितने भी लोग हैं उन सब के लिए। क्योंकि मैं आपको सही बात बताऊँ,
मैंने एक और वीडियो भी बनाई है कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर का आगे क्या फ्यूचर है, वो वीडियो का आपको जो प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी हुई है वो देख लें, या फिर कोशिश करूंगा आपके साथ लिंक शेयर कर दूं। क्योंकि अगर आप लोग मौके का प्लॉट देखते हैं तो मौके का प्लॉट कभी भी आपको नुकसान नहीं देता। देखें पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है आपको पता है, और लोगों ने गुजर खान के अंदर जितने लोग हैं जिन्होंने घर बनाने वो आके यहाँ पे घर बनाएंगे। तो कहने का मकसद ये है अभी पाकिस्तान के अंदर पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, और ये चीज़ें जैसे जैसे बेहतर होती जाएंगी तो इन चीज़ों के रेट आपको मौके की चीज़ों के रेट जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। हमारे जो बड़े थे जो हम लोग कहते थे कि यार इसने 20 साल पहले प्लॉट लिया तो इतना फायदा हो गया, वो बेसिकली क्या था, वो बेसिकली इसी तरह की जगह पे प्लॉट ले लेते थे। जब यहाँ पे आबादी आ गई, जब वो चीज़ डेवलप हो जाती थी, तो जाहिर सी बात है जो आगे आने वाले थे उन लोगों को फायदा होता था। वही चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस कर रहे होते हैं। तो जो लोग अर्ली बर्ड के अंदर आ सकते हैं, मेरा मशवरा है कि जरूर आए, 6 मरला का प्लॉट ले लें। 5 मरला की अब आई हुई है जिसके अंदर 19 लाख रुपए एडजस्टमेंट है, 17 लाख रुपए जो है वो कैश देना है, और आपको 5 मरला के मौके की मैंने वो भी वीडियो बनाई है। तो मतलब जो मौके की चीज़ें थी सारी तो मैं वीडियोज उस पर बना चुका हूँ, तो इसके अंदर आ जाएं। अगर आप आ जाएंगी तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोग जो है आने वाले दिनों के अंदर आपको समझ आ जाएगी जब यहाँ पे आबादी आएगी कि यार बाकी अगर आपने एग्जिट भी करना है या आपने प्रॉफिट लेना है या रखना है, कुछ भी करना है, बस अर्ली बर्ड के अंदर बैठ के और इंतजार कर लें। जो लोग नहीं दे सकते ऑब्वियसली उनके पास ऑप्शन जो है वो ये साउथ का है, वो उनका टाइम फ्रेम शायद मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाए, 5 टाइम्स हो जाए, लेकिन और एट द एंड उनको प्लॉट डिलीवर हो जाएगा। लेकिन जो आ सकता है भाई, मेरा फिर मैं कह रहा हूँ कि मेरा ऑनेस्ट मशवरा है कि इसके अंदर आ जाए। जो नहीं आ सकेगा तो उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, वरना इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे जो मैंने आपको बताया कि कमर्शियल का ऑप्शन भी है, रेजिडेंशियल 5 मरला भी है, उसके अलावा 9 मरला है, या फिर ये साउथ के स्टार्ट में जो है वो 6 मरला का ऑप्शन है वो कर लें, या ये साउथ के वो सॉरी अर्ली बर्ड के अंदर कोई और ऑप्शन जो है वो आ रहे हैं अगर, तो वो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर ले, वो आपके साथ शेयर कर लूँगा। लेकिन भाई आपको मशवरा यही है कि आप ये सब अर्ली बर्ड के अंदर आ जाएं, बेहतर यही है। और बाकी जितनी भी गाइडलाइन, अगर आप कितने पैसे जमा हैं, किस ऑप्शन के अंदर आप यूटिलाइज कर सकते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर मेरे साथ रब्ता कर लें, मैं आप स्टेटमेंट और आपकी जो लोकेशन है, कोई भी आपकी पुरानी फाइल है मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर, वो सारे पैसे आप इस फाइल के अंदर एडजस्ट करवा के और बाकी जो रिमेनिंग होगा वो कैश दे के आप मौके का पोजेशन वाला प्लॉट जिसके ऊपर आप घर बना सकते हैं, जो मौके के ऊपर मौजूद है, वो ले लें और जान छुड़ा लें। ना आपकी टेंशन ना आपने, क्योंकि पीछे जो आपने डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, जो बाकी पैसे आपके रहते हैं वो देने हैं, उससे बहुत बेहतर है कि इधर आ जाएं, जो आपने डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं वो दें और इनसे भी जान छुड़ाएं, मौके का प्लॉट लें, आने वाले टाइम के अंदर सेल करें और जो है वो खुश रहें। क्योंकि अगर आप जाहिर सी बात है आपने जो डेवलपमेंट चार्जेस वहाँ देने हैं, उससे बहुत बेहतर है कि आप यहाँ पर आके दे दें। और मज़ीद कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप नीचे दिए गए नंबर पर शेयर कर लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है वो मैं कवर करूँगा। अपना ख्याल रखें, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।